शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के कुछ सीन्स और गानों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जाहिर की थी, जिसके बाद देश भर में पठान फिल्म का विरोध शुरू हो गया। जिसके बाद सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ने गुरुवार को फिल्म मेकर्स को बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए थे। नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड के इस निर्णय का स्वागत किया है। पठान के गाने बेशर्म रंग पर विवाद के बीच CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने कहा कि हमने मेकर्स से कहा है कि वे फिल्म की रिलीज से पहले रिवाइज्ड वर्जन हमारे पास सबमिट करें। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बारीकी से देखने के बाद ये सुझाव दिया। सेंसर बोर्ड हमेशा से ही क्रिएटिविटी और दर्शकों की संवेदनशीलता के बीच बैलेंस बनाकर रखता है। पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होनी है। पठान के गाने बेशर्म रंग में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी में दिखाई दी थी, इस पर विवाद शुरू हो गया था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, सेंसर बोर्ड का निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तभी मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को ध्यान रखना चाहिए। का निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।